अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको ये ज़बरदस्त है यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी बीफ का। आप चाहें तो यही रेसिपी मटन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज बीफ से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये, लेकिन इसमें मैं मसाले बहुत कम अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मसाले आपने जितने ज़्यादा ऐड करने आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुकर के अंदर मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है, इसके अंदर अदरक डालना है, लहसुन डालना है, लहसुन अदरक के 3 अदरक जो है छोटा सा लेना है आपने, थोड़ा सा बिल्कुल, और लहसुन जो होगा उसके 3-4 जब डाल लेने, और एक छोटी प्याज डाल देनी है आपने थोड़ी सी कट करके, उसके साथ नमक और हल्दी डाल देनी है, पानी जो है आपने 3 गिलास लेना है, उसमें उबलने देना है इसको। गोश्त जितने में गल जाता है उतने में हम लोग ये करते हैं कि अपना जो है तड़का सा बना लेते हैं। ये मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून घी ले लिया है, इसके अंदर मैं 1 प्याज छोटी जो है वो काट के डाल दूँगी, और साथ ही साथ 2 हरी मिर्चें, ये देखें डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे इसको ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए इस पर। तो जी आप देख सकते हैं, आप ये हो गया फ्राई। अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून भर के, इसको थोड़ा सा भून लेना है, इसको भी थोड़ा सा भून लेना है ताकि गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। अब देखें कलर आ गया, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर 1 टमाटर काट के डालनी है, टमाटर चॉप की हुई है मैंने, आप चाहें तो चॉप करके डालना है, आप चाहें तो प्यूरे बना के डालना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी अगर आप सादा भी करके डाल लेते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको इतना पकाएंगे, इतना पकेगा ये कि जो है ये फिर डबल हो जाएगा, सेट हो जाएगा सब कुछ। तो थोड़ा सा इसको पकाते हैं कि टमाटर अंदर मिक्स हो जाए, तो साथ ही साथ हम लोग डाल देते हैं नमक, मिर्चें और हल्दी पाउडर। नमक डाल रहे हैं अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, आप जितना मर्जी चाहें डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ मिर्चें भी डाल देते हैं अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, और हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून डालेंगे। तो जो पहले मैंने उबाला था गोश्त उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, और हल्दी उसमें भी 1/2 टीस्पून ही डाली थी, तो थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि मसाला के अंदर से कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। चलें अभी मसाला तैयार हो चुका है, अब गोश्त भी हमारा गल चुका है, तो इसलिए हम लोग जो है उसको यखनी से अलग करके गोश्त डाल लेते हैं अंदर, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा जी अभी भुन गया गोश्त, तो अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे अपना जो यखनी थी वो, और यखनी नहीं पहले हम लोग दही डालेंगे, 1/2 कप दही डालेंगे, और इस दही डालने के बाद दही के साथ इसको भूनेंगे ताकि इसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चलिए जी दही भी भून गई, दही भी 1 कैन होगी। अब हम लोगों का टाइम आया है यखनी डालने का, यखनी डालूँगी मैं 3 गिलास, क्योंकि मैंने चावल लिए 2 गिलास। इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे अच्छा सा, जो मेरा पास मीट है ना वो मेरे पास है फुल फैट, उसके अंदर चर्बी बहुत अच्छी वाली थी, तो इसलिए मैंने अंदर से ऑयल कम घी कम डाला। अब देख सकते हैं आप, चर्बी मैंने घी बहुत कम डाला था, और अब आप देख लिया घी कितना ज़्यादा लग रहा है। जो है ये मैं 2 गिलास चावल ले लिए थे, इनको मैंने भिगो लिया था पानी के अंदर तकरीबन 5 से 10 मिनट, ताकि अच्छे से सोख हो जाए, ताकि जल्दी से पक जाए। तो अब हम लोग इसको डालेंगे उसके अंदर, डालने का तरीका भी आपको समझा देती हूँ कि आपने किस तरीके से डालना है इसको। देख सकते हैं आप, चावलों वाला चमचा ले लीजिएगा जिसके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है, इसको नीचे से करके चावलों में डालिएगा, और चावलों को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कीजिएगा इस चमचे को, तो आप देखेंगे कि नीचे जो है पानी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। जब पानी ड्रेन हो जाए फिर आप डाल दीजिएगा इसको अपने उस बर्तन में जिसमें आप चावल बना रहे हैं। चलिए जी ये थोड़ा सा पकने देंगे इसको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम ये तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसको पकते पकते, ताकि जो सारा पानी है ना वो चावल सॉप कर लेंगे, थोड़ा बहुत एवेपोरेट भी होगा लेकिन चावल भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ढक देंगे और पकने देंगे, जब पानी जो है सॉप कर लें तो फिर इसको दम दे देना। दम कैसे देना है, नीचे आपने तंदूरी भी छा लेनी है, उसके ऊपर आपने ढक्कन रखना है इसका, और फिर आपने तंदूरी यानी कि इसके ऊपर रख के अपने इसको नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। देखिए इस तरह करके आपने इसको देना दम, नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, और इसको 15 मिनट पकने देना ताकि चावलों में से कोई भी कहीं जो है कच्ची ना रहे। तो हमारी रेसिपी तैयार है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।